प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल ट्वेल्व हिस्ट्री ऑफ टेक्सकोनोमी हमने देखा कि जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके अंदर हम एनिमल्स को डायकोटमी की बेस के ऊपर डिवाइड करते थे अब जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी फॉर एग्जाम्पल बाय मिड ऑफ एटीन सेंचुरी

नेक्स्ट लोअर रैंक यानी इसके अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम समझते हैं कि वो सिमिलर हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा उनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं ये जो सिस्टम था बफन ने इस सिस्टम को कहा कि ये एक बेहतरीन सिस्टम है बफन इन क्योंकि इसके मुताबिक

अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके बारे में पोर्ट दी इसी तरीके से जो एंडरसन था इसने 1763 के अंदर अप्लाइड दिस डिजाइन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट था इसने अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया और इस सिस्टम को प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया इसी तरीके से जो क्यूवियर था इसने इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्गेनिज्म थे उनको पांच फाइलम पांच फाइला के अंदर डिवाइड किया इसी तरीके से वेन बेर ओवन डिवाइडेड ऑल स्पीशीज इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स ईच रिप्रेजेंटिंग ए डिस्टिंग टाइप ये जो हर ग्रुप था इसके अंदर जो मेंबर थे वो एक जैसे थे तो इसने भी ये जो रिसर्चर्स थे इन्होंने भी अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया अब मेजर डेवलपमेंट क्या हुई लीनियस और डार्वन के पीरियड के अंदर पहली बात ये स्पेशलाइजेशन बिकेम मोर प्रोनाउंस यानी जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा रिजेंबल करते थे उनको एक कैटेगरी के अंदर रखा गया इसी तरीके से मैनी ऑथर्स आइडेंटिफाइड बर्ड्स बीटल्स एंड बटरफ्लाइज इससे पहले इन ऑर्गेजम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया था लेकिन इस दौर के अंदर ये जो ऑर्गेजम थे जिसके अंदर बर्ड्स शामिल थे जिसके अंदर शामिल थी, जिसके अंदर अंदर बटरफ्लाइज शामिल शामिल थी बीटल्स थी इनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया गया इसी तरीके से क्लासिफिकेशन बिकम मोर हायरे एंड सून कैटेगरीज फैमिलीज एंड फाइलम वर एडेड पहले जो कैटेगरीज थे फाइलम थे या फैमिलीज थे ये प्रपोज नहीं किए गए थे लेकिन इस दौर के अंदर इन तमाम चीजों के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट आया इसी तरीके से जो फिलोसफिकल गाइडलाइन वो रिजेक्टेड पहले जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती थी वो जस्ट एक फिलोसफिकल आइडिया की बेस के ऊपर होती थी ये जो फिलोसफिकल आइडिया की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको इस दौर के अंदर रिजेक्ट किया और लॉजिक्स की बेस के ऊपर सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर ऑर्गेजम्स को क्लासिफाई करना

तो स्ट ने एटीन सेवन थ्री के अंदर और बाद में जो जोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इस सिस्टम को इख्तियार किया एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए दिस शिफ्ट फ्रॉम डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन टू अपवर्ड क्लासिफिकेशन वॉज फिलोसोफिकल चेंज क्योंकि पहले जो है जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा रहा था वो डाउनवर्ड यानी डायकॉटमी की बेस के ऊपर किया जा रहा था लेकिन बाद में इस सिस्टम को चेंज करके अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया एवोल्यूशनरी थॉट वाज वाइड स्प्रेड इन 18th सेंचुरी एंड डार्विन बिलीव इन द फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज लेकिन आफ्टर ऑब्जर्विंग नेचुरल फाना इन गैलापागोस आइलैंड ही बिगन टू बिलीव इन द प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ऑफ द स्पीशीज डार्विन का ये ख्याल था कि एक जो स्पीशीज है वो फिक्स है लेकिन जब इसने गैलापैगोस आइलैंड के अंदर एनिमल्स की स्टडी की तो फिर ये इस नतीजे में पहुंचा कि जो स्पीशीज के मेंबर हैं उनके अंदर प्लास्टिसिटी है उनके अंदर, अंदर वेरिएशन मौजूद होती हैं। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इसकी बेस के ऊपर एक और जो है जो पॉलिटिपिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट था वो भी आया कि एक जो स्पिश है उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है उसके जो मेंबर्स हैं वो मार्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर की बेस के ऊपर एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं तो ये जो बेसिस के ऊपर जो है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं इनको ऐसे जो स्पीशीज थे इनको सब स्पीशीज का नाम दिया गया और बाद में ये कंसेप्ट आया कि एक जो स्पीशीज है उसकी एक जो स्पीशीज है उसकी डिफरेंट सब स्पीशियस हो सकती हैं और एक स्पीशीज की अगर ज्यादा सब तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको पोली स्पीशीज स्पीशियस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया